बीएसएफ आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टेडियम में शानदार रीजन डे परेड का आयोजन किया गया। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। जीवन पर्यंत कर्तव्य के अपने मूल वाक्य को ध्येय बनाते हुए अपने हर कर्तव्य को आज तक बखूबी निभा रही है। देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए हर पल मुस्तैद है बीएसएफ। पिछले 5 दशकों से सरहद पर हर साजिश को ध्वस्त करने के लिए तैयार है बीएसएफ। शौर्य, पराक्रम और मातृभूमि के लिए मर मिटने के जज्बे का प्रमाण है बीएसएफ। जब भी दुश्मनों ने देश पर बुरी नजर डाली है, हमारे इन जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ड्यूटी अनटू डेथ के मकसद के साथ सीमा पर सीना तान खड़ी रहती है बीएसएफ। देश की सेवा में बीएसएफ के योगदान को भला कौन भुला सकता है। अपने 58 साल के सेवा में बीएसएफ ऐसे सुरक्षा बल के रूप में उभरी है जिसने सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में हमेशा सर्वोच्च योगदान दिया है। आज अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टेडियम में बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। तस्वीरें बता रही है कि सरहद पर इन जवानों की मौजूदगी से दुश्मन देश कैसे थर्राते होंगे। आज इनकी ताकत और तेवर पूरी दुनिया देख रही है। भारत की सरहदों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान पूरे साल मौसम की मार और दूसरी मुसीबतों को झेलते हैं। चाहे चुनौतियां जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन मोर्चे पर मुस्तैद रहते हैं। इसलिए बीएसएफ देश का अभिमान है और इस साल उसका स्थापना दिवस कई मायनों में खास है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। पिछले साल ये जैसलमेर में मनाया गया था। स्थापना दिवस पर बीएसएफ के सभी दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। पुरुष और महिला जवानों के पैदल दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड भी परेड में शामिल हुए। इसके साथ ही आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर विंग और महिला दस्ते ने शानदार प्रस्तुति दी। जांबाज पुरुषों और महिलाओं की टीमों ने रोमांचकारी कर्तव्य भी दिखाए। बीएसएफ की रेजिंग डे परेड की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सलामी ली। कार्यक्रम में वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित भी किया गया। यही नहीं, योग्य सैनिकों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मौजूद बीएसएफ के डीजी ने बताया कि अब सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर पर एंटी ड्रोन तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया है। नक्सल और आतंकवाद प्रभावित राज्यों में अवांछित तत्वों के जरिए बनाई जा रही सुरंगों को रोकने के लिए एंटी टनल तकनीक तैयार की जा चुकी है और 160 से अधिक चौकियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, हमने काफी कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाया जरूर है और इसी के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारे जवान बॉर्डर्स पर मुस्तैद और चुस्त है, दोनों के मिलान से ये संभव हो पा रहा है, जो कि आप रिजल्ट्स कुछ समय से देख रहे हैं। और मात्र इस वर्ष में, इस समय तक अभी दिसंबर माह बचा हुआ है, करीब 17 ड्रोन्स हमारे जवानों ने गिराए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने 1971 और कारगिल युद्ध में बेजोड़ भूमिका निभाई थी। युद्ध हो या शांति, बीएसएफ का रोल हमेशा सराहनीय रहा है। शांति काल में बीएसएफ का काम सीमा पार अपराध पर लगाम लगाना, बॉर्डर पार अवैध लोगों के प्रवेश को रोकना, तस्करी और इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों पर रोक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद करना है। और इसमें कोई शक नहीं कि बीएसएफ ने अपने मूल ध्येय जीवन पर्यंत कर्तव्य को आधार बना अपने कर्तव्यों को हर बार सही तरीके से निभाया है। अमित शर्मा के साथ कमलजीत कौर संधू, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे।